नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 436 नए मामले बुधवार को सामने आए हैं, जिससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 311,111 हो चुकी है। वहीं राज्य में संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई, जिससे महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 2723 हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 2723 पहुंच चुकी है। तो वहीं राज्य में अब तक जयपुर में 506, जोधपुर में 293, अजमेर में 220, कोटा में 167, बीकानेर में 166, भरतपुर में 120, उदयपुर में 112, पाली में 109 और सीकर में 98 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य में 564 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भी हुए और इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 3,690 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बार बार हो रहे तबादलों से आजिज आ चुकी है। लगातार हो रहे तबादलों से वह दुविधा में भी है। साथ ही साथ तबादलों से ब्यूरोक्रेसी की त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार जनप्रतिनिधियों की डिजायर पर गत 2 साल में अधिकारियों के कई बार तबादले कर चुकी है। इससे कोई अधिकारी औसत समय तक भी एक जगह पर नहीं टिक पा रहा। वहीं इसके साथ ही अधिकारी अब इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि क्या वे नई जगह मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम कर पाएंगे या फिर नहीं। शहर में पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही 12 आशा सहयोगिनियों को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बजाज नगर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, राजस्थान महामारी अध्यादेश व अन्य IPC की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई 2 दिन पहले जयपुर में टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास धरना देकर के करीब 2.5 घंटे तक रास्ता जाम करने के मामले में की गई है। रिपोर्ट में थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि प्रदेश भर से आई सैकड़ों आशा सहयोगिनी महिला कार्यकर्ता अपना मानदेय बढ़ाने व नियुक्ति को स्थायी करने सहित अन्य मांगों को लेकर के जयपुर में पिछले 15 दिनों से गांधीनगर में महिला एवं बाल विकास के मुख्यालय के बाहर धरना दे रही हैं। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा को संतुलित और हर वर्ग का भागीदार बताया है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव की तैयारियों का भी खुलासा कर दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि उन्हें शानदार टीम केंद्रीय नेतृत्व ने उपलब्ध करवाई है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूँ। उन्होंने बताया कि इस कमेटी के साथ मिलकर के हम निकाय चुनाव के अंदर शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की मांग पर सुन नहीं रही है। बीते साल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ने का रिकॉर्ड बना चुका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस वर्ष भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। नए साल में वह और आक्रामक तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ में कार्यवाही करेगा। इसके लिए ब्यूरो ने वर्ष 2021 की अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। इस साल वह संगठित भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से फोकस रखने वाला है। नए साल में ब्यूरो की नज़रें आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर भी विशेष रूप से रहेंगी। ब्यूरो ने अपनी प्लानिंग को अमलीजामा बनाते शुरू कर दिया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।